छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव जिला मुख्यालय स्थित स्टेडियम ग्राउंड में जंगल जत्रा 2024 का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर करीब 100,000 वनवासी जंगल जत्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कोंडा गांव जिले के 9 गांव का खसरा वितरित किया, साथ ही वन समितियों को लाभांश राशि और बीमा राशि का वितरण भी किया। सीएम साय ने कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार सभी लोगों की समस्या का निदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज कोंडा गांव की पावन धरती में आयोजित लघु वनोपज संग्राहकों एवं वन प्रबंधन समिति सदस्यों के महासम्मेलन जंगल जत्रा 2024 के इस महोत्सव में उपस्थित सभी सज्जन वृंद, मातृशक्ति माताएं बहने, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और प्रेस के मित्रों, आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 3 महीना पूरा हुआ है, तो इस अवसर पर मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर आप सब लोगों ने विश्वास किया, छत्तीसगढ़ की जनता ने विश्वास किया और ऐतिहासिक विजय विधानसभा के चुनाव में आप सब लोगों ने दिलाया। 54 सीट और 40% से ज्यादा वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को जिताया, इसके लिए आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आपके बस्तर संभाग में भी 12 में से 8 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी को जिता के दिए, इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। और हम लोग मोदी की गारंटी को पूरा करने में लग गए हैं। आप सबको मालूम होगा कि ये 3 महीना के 90 दिन में ही हम लोग कई बड़े बड़े काम को पूरा कर चुके हैं और आज तो हम लोग विशेषकर वनवासी क्षेत्र में जो तेंदू पत्ता जिसको हरा सोना बोलते हैं और विशेषकर ये बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग में ये तेंदू पत्ता की तोड़ाई होती है, ऐसे 12.5 लाख जो तेंदू पत्ता के संग्राहक हैं उनको बधाई देने आए, उनको शुभकामनाएं देने आए हैं कि अब हमारी सरकार 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा के हिसाब से तेंदू पत्ता की खरीदी करेगी। हमारे वन मंत्री केदार कश्यप बता रहे थे कि चरण पादुका योजना जो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के समय में लागू किए थे वो फिर से लागू करेंगे। चरण पादुका योजना, बीमा योजना, स्कॉलरशिप की योजना, जो पुरानी व्यवस्था थी हमारी भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय, वो सब तेंदू पत्ता संग्राहकों के लिए लागू करेंगे। और विशेषकर आज ऐसे हमारे संग्राहक बंधुओं को आज बधाई देने आए थे कि बीजापुर और सुकमा जिले के लगभग 51,000 तेंदू पत्ता संग्राहक हैं जिनका बैंक का खाता नहीं है, बैंक में अकाउंट नहीं है और उनका 2 साल का 21 और 22 का लगभग 27 करोड़ रुपया बोनस का बाकी है, लेकिन उनका बैंक का खाता नहीं है इसलिए उनके अकाउंट में डालना संभव नहीं हो रहा है। मैं ये आश्वस्त करना चाहूंगा कि इनको जो बोनस की राशि है इनको नगद वितरण करने का काम सरकार की तरफ से होगा। और इमली के विषय में बात कर रहे थे हमारे वन मंत्री जी, आपके बस्तर क्षेत्र में इमली भारी तादाद में होता है और निश्चित रूप से हमारी सरकार जो बस्तर और सरगुजा संभाग है इस पर विशेष फोकस किया हुआ है। दोनों संभाग का चहुमुखी विकास हो इसलिए ये इमली का भी कैसे वैल्यू एडिशन हो इस पर सरकार ध्यान देने वाली है। और आज वनाधिकार पट्टा मुझे जानकारी मिली है इसका भी वितरण है, कुल जो ग्रामीण क्षेत्र में है ऐसे लोगों का 1275 वन अधिकार का पट्टा, शहरी क्षेत्र के लिए 41 और सामुदायिक वनाधिकार पट्टा 23 और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पट्टा 8, ऐसा मुझे जानकारी दिया गया है कि इसका वितरण यहां पर होने वाला है। और हमारी सरकार आप सब लोगों
कि हर समस्या का निदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक और आशीर्वाद आप लोगों से चाहिए कि हम लोग को मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना है, उनको प्रधानमंत्री के रूप में बैठाना है, इसलिए आपके क्षेत्र के जो दोनों हमारे सांसद के जो प्रत्याशी हैं कश्यप जी और भोजराज नाग जी, इनको प्रचंड मतों से जिता के आप लोग सांसद के रूप में दिल्ली भेजिए। यही आप लोगों से आग्रह करते हुए, आप लोगों का फिर से एक बार अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।